सर पहले के जमाने में आप एक कहावत सुने होइएगा, जो लोग प्यार में पागल वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी आप सुने होइएगा, तो सर पहले इसे सुनिए। तो सर ये थे हमारे भोजपुरी के टॉप मोस्ट सिंगर शिव कुमार बिक्कू जी। हाँ, और स्क्रीन पे दिख रहा ये दोनों शख्स, एक समय ऐसा था कि दोनों का रिलेशनशिप था और भैया अचानक से इसके बीच में दरार फैलता है और उसके बाद दोनों अलग हो जाता है। तो सर आज से आप कुछ दिन पहले जाइएगा और इनके चैनल पे सर्च कीजिएगा या देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो ये भाई कुछ दिन पहले तमाम ऐसे गाने गाते थे जो जब ये दोनों रिलेशनशिप में था या कुछ पहले का देखा जाए तो ये भैया सैड सॉन्ग कम ही गाते थे। उसके बाद दरअसल होता ये है कि ये दोनों में दरार फैलता है और उसके बाद अलग हो जाते हैं। शिव कुमार बिक्कू को टूटता है दिल और उसके बाद एक कलाकार का जब दिल टूटता है तो वो क्या ही कर सकता है, भैया गाना ही तो गाएगा ना। ऐसे ऐसे तमाम कई गाने गा देते हैं और भैया गाना वायरल भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ये गाना गाए थे, सो आप सब रिस्पॉन्स देख सकते हैं। और हाल ही में जो होली चल रहा है भैया ये गाना गा देते हैं। और इस गाने में देखा जाए तो भाई का रियलिटी में दर्द छुपा है अंदर और सच में ये भाई मजनू बन गया है और अनुपमा यादव से इतना ज्यादा प्यार करता था ये बंदा, वो साफ साफ दिख रहा है इसके गाने से। और अभी प्रेजेंट टाइम के जितना भी ये इंटरव्यू दे रहे हैं सारा अगर देखा जाए तो सच में भाई ये अभी भी अनुपमा यादव से प्यार करती है, क्योंकि जितना भी देखिएगा, मैंने रिसर्च किया है, तो ये भाई हर एक इंटरव्यू में बोलता है कि आप उनको बदनाम मत करो, मतलब वो लड़की है तो गलत तरीका से उनका नाम नहीं लेने देता है। और अगर कोई मीडिया वाला सवाल भी पूछता है तो बताते हैं कि नहीं वो अच्छी थी और कैसे हो गया पता नहीं, मेरे अंदर तो अभी भी प्यार है उनके लिए। खैर इनका अपना अपना पर्सनल मैटर है, आप इस पे क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही बड़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले कोई बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।